पता नहीं ये सच है या झूठ, लेकिन बैंकॉक वाले इसे बहुत बड़ा मानते हैं, है ना? सुफानपुर वालों के लिए बहुत ही छोटा सा है। जिस थाई पारंपरिक घर में हम जा रहे हैं, वहाँ उनमें से कोई नहीं है। वैसे वो जगह बहुत सुंदर है, पर पता नहीं वहाँ सांप होंगे या नहीं। वैसे मैडम, मैं सोच रहा हूँ कि तुम इससे डरती हो या नहीं। दरअसल सांप इतने डरावने नहीं होते हैं, अगर हम उन्हें कुछ नहीं कहते हैं तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन मैं तो डर गया, तुम मुझे अपने आसपास रहने दो ना। ओ, ऐसा लगता है कि तुम सांपों से भी ज्यादा डरावने हो। चनाचो, कितना अजीब नाम है। वो फाकपोंग का दोस्त है और वो काफी समय से विदेश में रहता है और वो अभी अभी ही यहाँ वापस आया है। ऐसा लगता है जैसे उसे खास तौर पर थाई चीजें पसंद हैं। इसके आगे कुछ मत सोचना, उसकी शादी हो चुकी है और एक बच्चा भी है। बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। हाँ, यहाँ पे आराम से जाइए। बहुत अच्छा। आ जाइए, आप भी आ जाइए मिस्टर चनाचो। क्या तुम ठीक हो? तुम डरे हुए लग रहे हो। मैं ठीक हूँ। तो इस तरफ आइए। सब लोग आराम से उतर जाइए, दूर मत जाइएगा प्लीज। अरे वाह, कितना अच्छा है ये। क्या है ये? ये जामोंग कुड है। हाँ। ये एक थाई मिठाई है। आंटी, मिस मिकाला कहाँ है? वो कहीं दिख नहीं रही है। मुझे लगता है आपको अकेले रहना पसंद है कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। इस पेड़ के फूल बहुत ही सुंदर हैं, मैंने अभी देखे। ये काग का पेड़ है। अच्छी खुशबू है, सोच रही हूँ तुम्हें पसंद आई या नहीं। ज्यादातर थाई पारंपरिक घरों में तीन कमरे होते हैं, ये पांच कमरों वाला खास घर है। यहाँ बिजली नहीं है,
हम अब भी पारंपरिक तरीकों से रह रहे हैं, इसी वजह से ये गांव वाले इसे भूतिया घर कहते हैं। ओहो, तुम्हारा खानदान तो काफी बड़ा है। इतना बड़ा खानदान मैंने पहले कभी नहीं देखा। वो दरअसल क्या है कि मेरे दादाजी और पिताजी दोनों की ही बहुत सारी पत्नियां थी। क्या आप बता सकती हैं कि ये कौन है? मेरे दादा दादी हैं और ये मेरे पिताजी, और वो अपनी सभी पत्नियों के साथ में हैं। तो इसमें तुम्हारी फोटो कहाँ है? जरा ध्यान से देखो, उधर ठीक चनाचों के सामने ही है। ये गोसूम है मेरी नई पत्नी और वो है मेकाला। तुम कितने साल की हो? 5 साल की हूँ। अच्छा है। लुआंग के भेजने के बाद मेरी यहाँ एक पत्नी बनी, उसके बाद एक बच्चा हुआ। गोसूम, ये मेरी पत्नियाँ हैं। ये है माईचुरे, वो है लुआंग, ये माइनिंग है और माईसाई। तुम यहाँ पर नहीं हो, ये तीनों क्या कहती हैं इस पर ध्यान मत देना, मुझे झगड़ा पसंद नहीं, ठीक है? जी। मैं काला, तुम भी उनकी बातें ऐसे मानना जैसे अपनी माँ की बातें मानती हो, समझ गई ना? जिसे थाई फूल पसंद है वो प्लीज मेरे पीछे टीले तक आ जाए, वहाँ बहुत सारे थाई फूल हैं। टीला बनाने की वजह ये है कि ये फूल बाढ़ में बह जाते हैं, वो बहुत ही कमजोर और सुंदर होते हैं। तो फिर ठीक है, चलो चलते हैं वहाँ। सांप से सावधान रहना। वहाँ सांप भी होते हैं क्या? हाँ है, एक बड़ा कोबरा। बाद में मिलते हैं। तुम्हें सांप से डर नहीं लगता तो मेरे पीछे आ जाओ। क्या तुम इसे शाखाओं को हटाने के लिए लाए हो? ये दरअसल मुझे बटला ने दिया था, शायद ये रास्ते को साफ करने के काम आ जाए। इसका नाम केन नाइफ है, जरा ध्यान से, इसकी धार बहुत तेज है। मिस्टर टिम पहले केन नाइफ के मास्टर थे। शर्त लगाने का ये पुराना तरीका था, आजकल इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। ये खुशबू कैसी है? वैसे तो कई सारी हैं, लेकिन इनमें से सबसे तेज खुशबू यहाँ पर नारंगी चमेली की है। मेरे ख्याल से ये खुशबू मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ना सिर्फ खुशबू बल्कि इस घर को भी पहली बार देखा है। न जाने क्यों मुझे ये घर काफी जाना पहचाना लगता है। तुमसे मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई मिस मकाला। वैसे तुम थाई चीजों के बारे में काफी कुछ जानती हो सकता है तुम्हारे साथ मेरा ज्ञान बढ़ जाए। तुम्हारा स्वागत करती हूँ। वैसे हम दोबारा कब मिल सकते हैं? जब भी तुम चाहो तुम यहाँ मुझसे मिलने आ सकते हो। चलो एक और जगह तुम्हें दिखानी है, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। यहाँ आसपास सांप नहीं है। है, पर तुमने देखा नहीं है। दादाजी जल्दी करिए, मुझे डर लग रहा है। ठीक है ठीक है। जरा रुकिए, आपने शाम को सांप के बारे में बात क्यों की? बहुत सारे लोग हैं, बस चाहता था कि किसी को कुछ हो ना जाए। मैं वही थी, ये कभी किसी को नहीं काटेगा। वो तुम्हें नहीं काटेगा लेकिन दूसरों को काट सकता है। उन लोगों को थोड़ी पता है, अगर उन्होंने उसे नाराज कर दिया तो।
मैं अपने कपड़े बदलने जा रही हूँ। जाओ, मैंने कहा जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। बहुत परेशान करता है, एक दिन तुझे मार दूंगी। ट्रिप कैसा था? वहाँ कोई थाई घर था जो तुम्हें पसंद आया हो? हाँ, मुझे पता है, लेकिन उसका मालिक उसे नहीं बेचेगा। तो इसमें मुश्किल क्या है? तुम्हें पता है, पैसे से हम सब कुछ खरीद सकते हैं। ये बात मुझे नहीं पता, मुझे भूख नहीं है। नमस्ते ताऊ अंकल। नमस्ते नमस्ते। आज तो तुम बहुत जल्दी आ गई। अगर मैं देर से आती तो तुम उन सभी को बेच देते। एक सूप नूडल प्लीज। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आप कैसे हैं अंकल? मैं अच्छा हूँ बेटा। आपके बच्चे कितने हैं? बेटा, क्या वो पहले से ही ग्रेजुएट हैं? हाँ। ठीक है। नमस्ते आंटी, इसमें आपके सामने है मिस्टर सुपोज, जिनका नंबर है 24। उनका साथ दीजिए। मुझे इसकी पूरी जानकारी दीजिए। उसकी जानकारी यहाँ पर है, अगर तुम्हारा कोई सवाल हो तो संपर्क कर सकती हो। मैंने पहले न पूछने का फैसला किया था, लेकिन हमारे मिलने के बाद मैंने अपना मन बदल लिया है। पोस्टर पर तुम्हारी तस्वीर किसने चुनी है? ये बहुत बुरी है। चलो ना, हमारे पास वक्त नहीं है। इसके बाद तुम कहाँ जाओगी? अपने घर जाओगी? मुझे पता नहीं, मेरे मूड पर निर्भर है। मैं भी घूमने आ सकता हूँ? उसकी जरूरत नहीं है, मैं अनजान लोगों से मिलना पसंद नहीं करती हूँ। जरा ताकत से साफ करो इसे, इतनी कमजोर हो तुम कैसे साफ करोगी? गोसुम, फर्श इतना भी गंदा नहीं है, इसे इतना भी मत रगड़ो। ठीक है जी। छत पर बहुत धूल है, लगता है इसे साफ करना होगा ताकि हम सब लोग ठीक से सांस ले पाए, है ना? ध्यान से गोसुम। हाँ।
बड़ों के सामने कैसे पेश आना है, ये तुमने अपने बच्चों को नहीं सिखाया? माफ कर दीजिए। सुनो मेकाला, चलो अभी यहाँ आओ। माफ कर दीजिए, ये अभी बच्ची है। मैंने कहा अभी यहाँ आओ, चलो। छोड़ दीजिए उसे। छोड़ो। मिस्टर पोज आपसे मिलने आए हैं। उन्हें रुकने को कहो, मैं एक मिनट में आई। ठीक है। मिकाला, आपका कोई काम नहीं, आप जा सकते हैं। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुमसे मिलने यहाँ कभी ना आऊं? काम की बात करो। नाव की सवारी के लिए बुलाने आया हूँ। नहीं, तुम्हारा शुक्रिया। गांव वाले सोचेंगे कि हमारे बीच में कुछ चल रहा है। हमारे बीच प्यार नहीं था क्या? वो एक समझौता था क्या? हमने बस एक समझौता किया था, इससे ज्यादा हमारे बीच में कुछ नहीं है। अब दोबारा यहाँ मुझसे मिलने कभी मत आना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, चलो हम दोनों एक हो जाते हैं आज। सुनो, छोड़ो मुझे, मानो, छोड़ो मुझे। सुनो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं, उसे छोड़ दो। तुम्हें एक घंटे तक कुछ भी नहीं होगा। जल्दी से सैनिट्रियम चले जाओ, वहां जाके कोबरा सीरम ले लेना। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये यहाँ आसपास होगा। उसे छोड़ो, तुम यहाँ से जल्दी जाओ। हाँ, मुझे हैरानी है कि वहाँ कोई गया था और तब उसे वहाँ पर कोबरा ने काट लिया था। हाँ हाँ, सही कहा। वैसे अभी कैसा है वो? हाँ हाँ, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। थैंक यू। ध्यान से सुनो स्कॉर्पियो गर्ल, तुम्हारी जिंदगी में वो मोड़ आ चुका है। तुम्हारा दिल तुम्हें खुशी के लिए मार्गदर्शन करेगा, उस मार्ग पे तुम्हें तुम्हारा प्यार मिलेगा। ये सही भी नहीं हो सकता है। हो सकता है खुशी वाला प्यार असली प्यार ही ना हो। कोई तुम्हारे बारे में सोच रहा है और तुम्हें भी उसके बारे में सोचना चाहिए। कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है। ठीक है, बाय बाय। थैंक यू, फिर मिलते हैं बाद में। हाँ, तुमने सही कहा, उम्मीद करता हूँ कि शायद
मैंने तो सोचा तुमने मेरा नंबर खो दिया होगा। मैं दरअसल अपने काम में बिजी था, इसलिए मुझे फोन करने का वक्त नहीं मिला। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तो अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया मुझसे मिलने आने के लिए। ऐसा कहने की जरूरत नहीं, दरअसल मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। चनाचो, ये नाम किसने रखा है? मेरे पिता ने, दरअसल सौतेले पिता ने। शायद वो चाहते थे कि मैं पानी से ना डरूं, क्योंकि जब मैं छोटा था तब मुझे दरअसल पानी से बहुत ज्यादा डर लगता था, बहुत ही ज्यादा। कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो। ऐसी बात नहीं है, तुम्हें बताकर मुझे खुशी हो रही है। चाहे तुम कुछ भी जानना चाहो, क्या कभी तुम्हें कुछ ऐसा फील हुआ जब तुम किसी से पहली बार मिली हो कहीं पर और तुम्हें ऐसा महसूस हुआ हो कि तुम उससे दोबारा मिलना चाहती हो और उसके साथ बातें करना चाहती हो? उसे जानने के बाद उसे और जानने का मन करे, क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? हाँ, और तुम्हारे साथ? हाँ बिल्कुल, जिंदगी में सिर्फ एक बार। मेरे साथ भी, शायद मैं तुम्हारी तरह सोच रही हूँ। तुम वैसे वापस कब जाने वाली हो? मैं वहां दोबारा रुकना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं, मैं वहां कभी कभी ही जाती हूँ, जब मन करता है बस तभी। मुझे यहाँ बुलाने के लिए तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया। तुम्हें बताने के लिए मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है। मैं पहले से शादीशुदा हूं, मुझे लगता है कि यह बात तुम्हें जानना जरूरी है। अगर मैं नहीं बताता तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर मुझे बहुत जलन हो रही है कि तुम्हारी पत्नी को तुम जैसा पति मिला। अगर मैं इस संडे को गई तो क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहोगे? मुझे ये जगह बहुत पसंद आई है और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ घर लेकर परमानेंट शिफ्ट हो जाऊँ। अगर तुम घर यहाँ लेना चाहते हो तो वो यहाँ रहना बहुत पसंद करेंगे, बिल्कुल लव एट फर्स्ट साइट की तरह। हाँ सच में मुझे इस जगह से प्यार होने लगा है। ये जगह सही बहुत सुंदर है। एक्सक्यूज मी। हेलो, मैं माई बोल रही हूँ। अभी पता चला है कि मम्मी इस रविवार को पापा का जन्मदिन मनाने वाली है। क्यों, क्या हुआ? मुझे ज्यादा देर हो गई क्या? इस संडे मुझे काम के सिलसिले में मिस्टर डेविड के साथ मुझे बाहर जाना है। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें पहले नहीं बता पाया। अब क्या फायदा, पापा का मन वैसे ही उदास होने वाला है। कोई बात नहीं, मैं मम्मी को बता दूंगी कि तुम बाद में आओगे। बाय। मैं कुछ नई जगह देखना चाहता हूँ, अगर किसी को कुछ पता है तो मैं चाहूंगा कि मुझे उसके बारे में कुछ बताया जाए। जरूर सर, जरूर। माफ करना, मैं आपकी बात समझा नहीं। दादाजी आपका भाग्य बताने वाले हैं। इनसे कहो मैं इन चीजों पे भरोसा नहीं करता। उन्होंने कहा सावधान रहना, कोई तुम्हारी जान लेने वाला है। कोई चोर
तुम्हें किसी सांप या नदी से खतरा होने वाला है। उसने तुम्हें सावधान रहने को कहा है। उसने तुम्हारे आसपास मौत देखी है। नोआन, प्लीज मुझे एक बार उसे देखने दो। नोआन, तुम ठीक तो हो ना? बेटी, जवाब दो। मेरी बच्ची, तुझे क्या हो गया? तुम वहां क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो चलो नाव की सैर करते हैं। Thank you.
सच तो यह है कि मुझे बचपन से ही पानी से बहुत डर लगता है। मैंने बहुत बार तैरने की कोशिश की है लेकिन मैं कभी सफल नहीं हो पाया। पिछली बार तुमने अच्छी कोशिश की थी। पिछली बार दरअसल ये बहुत ही बड़ी वाली नाव थी इसलिए। ज्यादा लोग ज्यादा खतरे। फिलहाल बस अब हम दोनों ही हैं। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मैं तुम्हें बचा लूंगी। कोई बात नहीं, तुम खड़े हो सकते हो। कोशिश करो, तुम खड़े हो सकते हो। अगर तुम नहीं आती तो पता नहीं नोन का क्या होता। क्या तुम्हें यकीन है कि ये वही दोनों हैं? मैं उन्हें ठीक से देख नहीं पाया क्योंकि उन्हें जानलेवा काटा गया था, तो ये जरूर वही होंगे। अंकल, इस दुनिया में सिर्फ एक ही कोबरा नहीं है। पता है, जो तुमने कहा वैसा तुमने सोचा नहीं। तुम्हें पता था कि ये वही है। तुम ये मुझे दे दो। ठीक है। क्या बात है? बाहर चल के कपड़े चेंज कर लो। वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे मम्मी। कोई बात नहीं, अगर उससे बात नहीं हो पाई उसके पापा ठीक ही होंगे ना। वो बस ये चाहता है कि उसके पापा यहाँ आ जाएं। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। उन्होंने बताया मुझे कि वो थोड़ा बिजी है, पता नहीं वो कब फ्री होंगे, लेकिन मैं उन्हें लगातार फोन करूंगी मम्मी। हाँ। आप बहुत लंबे समय से यहाँ हैं। हाँ, गोसुम से पहले मेकालर की माँ यहाँ 5-6 सालों के लिए आई थी। मैंने सोचा आप यहीं आसपास के हो। मैं उथाई से आया हूँ। तब मैं एक परेशानी में फंस गया था तो मेरे दोस्त ने मुझे यहाँ बुला लिया। मेरे गुरु और उस आंटी में कोई फर्क नहीं है। क्या वो सुंदर सी आंटी आपकी पत्नी है? नहीं, वो कुछ भी नहीं है। मेरा यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है। कभी मेरी एक बहन, एक बहनोई और एक भांजा हुआ करता था, पर अब सब मर चुके हैं। माफ करना, लेकिन वो कैसे मरे? वो डूब गए थे, नदी के तेज बहाव की चपेट में आ गए। बहन बहनों की लाश तो मिली लेकिन मेरे भांजे डैन की लाश नहीं मिली। हो सकता है मछलियों ने ही उसे खा लिया हो। अगर वो अभी जिंदा होता तो वो तुम्हारी उम्र का ही होता। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो। मुझे मेरी माँ ने सिखाया है।
मुझ में ये हुनर नहीं है, उनके हाथों जितना तो नहीं। ये नारियल पेड़ का पका हुआ है, इसे ताड़ की चीनी के साथ खाओ, खा के देखोगे। अपनी तीन उंगलियों से इसे उठाओ और फिर इसे अपने मुंह तक लेकर जाओ। तुम जब भी आती हो तो क्या हर बार ऐसा ही करती हो? हर बार नहीं, ये तो बस मेहमानों को खुश करने के लिए है, क्योंकि मैंने सुना है मेहमानों को थाई चीजें बहुत पसंद है। ये तो काफी अच्छी बात है, शायद मुझे तुम्हारी सेवाओं का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। अब मेरी तारीफ करना बंद करो, अभी एक और काम बाकी है। अपने पैसों को करथोंग में रखो, पुराने लोग कहते हैं कि इसे नदी प्रसन्न होती है। अब कुछ अच्छे काम की कामना करो और प्रार्थना करो कि तुम्हारा बुरा भाग्य दूर हो जाए। उसके बाद ये पूरा हो जाएगा? क्या प्रार्थना करने से हमें अच्छे भाग्य की प्राप्ति होती है? ये बस एक आस्था है, हालांकि मैं भी इसे करने की पूरी कोशिश करूंगा। जो तुम्हें चाहिए वो सब कुछ तुम्हें शायद पहले ही मिल गया होगा, तुम्हें ज्यादा मांगने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं, कुछ है जो मुझे चाहिए लेकिन मुझे नहीं मिला। तो फिर प्रार्थना शुरू करो। मैं इस नदी को बस देखते रहना चाहता हूँ, जब तक मैं देखना चाहूँ। तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ। क्या मैं रुक सकता हूँ? चाहो तो तुम मुझे बालकनी में सुला सकती हो। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है। मुझे नींद जल्दी नहीं आती। कोई बात नहीं, तुम्हें सो जाना चाहिए। मिकाला, क्या हुआ मेरी बच्ची? ये तुमने अपनी बेटी को ये कैसे स्त्री करना सिखाया है? तुम इसे ठीक से नहीं सिखा सकती? यहाँ क्या हो रहा है? दरअसल मेकाला ने खुद को स्त्री से जला लिया, उसे चलाना नहीं आता ना। वो सच कह रही है। इतनी सी बात, बच्ची तो इतनी जोर से रोई कि सबको चौंका दिया। ये सच नहीं है, इतना बड़ा घाव कैसे हो सकता है? हाँ, तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ गोसुम, बस अब बहुत हुआ, अब ज्यादा परेशान मत करो। गौसम तुम भी मलाका को सावधान करना चाहिए था, आगे से याद रखना। अगली बार से सावधान रहना, समझी? बस बेटा, आराम से। तुम मेरी बेटी हो ना, बिल्कुल नहीं रोना है, खासकर उस आदमी के सामने जिसने हमें इतना रुलाया है। उनको पता नहीं चलना चाहिए। पर वो लोग हम पे कितना चिल्लाते हैं,
क्योंकि वो हमसे बड़े हैं। कोई बात नहीं बेटी, वो लोग नहीं चाहते कि हम खुश रहें। मैं कला, मैं तुम पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगी मेरी बच्ची। ये मसाला है, बहुत ही तरोताजा है, इससे हमारा खाना बहुत स्वादिष्ट बनता है। तरोताजा मतलब? बिल्कुल वैसे जैसे कि तुम हो। सूप उबल रहा है, जाकर थोड़ा देख के आओ, मसाला मैं पीसती हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। अरे तुम तो जल्दी उठ गए। एक चिड़िया ने मुझे जगा दिया। ये कौन सी चिड़िया है? ये कोयल है, ये सुबह सुबह चहचहाती है। शायद अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। जाने से पहले नाश्ता कर लो, आंटी ने तुम्हारे लिए दलिया बनाया है। मैं बोल रहा हूँ। कल पूरी रात कहाँ थे तुम? तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। मुझे माफ करना, दरअसल कल मैं अपना फोन अपने साथ नहीं ले गया था। पापा है क्या? हाँ बेटा वही है, तुवान को इंजेक्शन लगवाना है, प्लीज उससे थोड़ी बात करो। ये लो बेटा। हेलो, नमस्ते पापा। कैसे हो मेरे बच्चे? मुझे एक इंजेक्शन लगने वाला है। लेकिन तुम तो बहुत बहादुर हो ना, तुम्हें तो इंजेक्शन से डर नहीं लगता। मुझे इंजेक्शन से नहीं, दर्द से डर लगता है। इसमें चींटी जितना काटने का दर्द होता है। जब तुम्हें डॉक्टर इंजेक्शन लगाएंगे तब तुम किसी अच्छी चीज के बारे में सोचना, इससे तुम्हें दर्द कम होगा। तो फिर ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। हाँ ठीक है, मम्मी तुम्हारे साथ ही रहेगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना।
क्या मैं अब अंदर आ जाऊँ? हो गया, आ जाओ। कल मुझे 5:30 बजे काउंटर नंबर 8 पर मिलना मत भूलना। थैंक यू। थैंक यू, गुड बाय। ये क्या किस्मत है मेरी। अरे काम के मामले में तुम्हारी और मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। प्यार कुछ अलग नहीं होता, ये अस्थिर है। एक तरफा प्यार हो या फिर किसी के पति से प्यार करना, इसमें सिर्फ धैर्य ही हमारे काम आता है। अगर हमें अपना प्यार पाना है तो धैर्य रखना ही पड़ेगा। हे, क्या तुमने? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते कि वो अच्छा इंसान है या नहीं है। ए, अगर तुम्हें ज्यादा चिंता नहीं है तो बस अपने दोस्त को बता दो, ठीक है? रात को घूमने चलना ठीक रहेगा, कब से हम घूमने नहीं गए हैं। क्या जगह है मजे करने के लिए। लैटिनो में वो लोग लगभग सारी रात डांस करते हैं। यहाँ जैज के लिए नहीं आना चाहिए था। कोई बात नहीं, उदास मत हो, सब ठीक है। तुम अपने आप को दोष क्यों देती हो, तुम पागल हो क्या? ए, ये मिस्टर चिनाचो के बारे में, तुम मुझे बिल्कुल अजीब लग रही थी। चिनाचो कौन है? मैं उन्हें नहीं जानती। हे भगवान, तुम नहीं मानने वाली, हम दोनों दोस्त हैं, और ना तो मैं अंधी हूँ और ना ही बहरी, समझ गई? मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि मैं उसके बारे में कब से सोचने लग गई। क्या वो भी मेरे बारे में सोच रहा होगा? मुझे माफ करना माई। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। काम के बारे में ज्यादा मत सोचो। इन स्लाइड्स में आप देख सकते हैं कि इन दोनों कंपनीज में कुछ कमजोरियां हैं तो कुछ ताकतें भी हैं, और इसमें जो देख रहे हैं वो सारा रिसर्च का नतीजा है। अगर हम पिछले 2 साल के आंकड़ों को देखें तो कंपनी ने वाकई बहुत अच्छा मुनाफा कमाया है, लेकिन इस बात को मत भूलिए कि दोनों कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज डिफरेंट हैं। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, पहली कंपनी के बजाय दूसरी कंपनी ने यहाँ पे ज्यादा मुनाफा कमाया है। आखिर क्या वजह हो सकती है? हेलो, एयरपोर्ट 3 नंबर गेट पर। मैंने कहा ना 3 नंबर पर, आज 7 बजे। आपका दिन शुभ हो जी, आपको टैक्सी मिल जाएगी। अरे मैंने कहा ना। ओह हाँ, तो ठीक है, पहुँच कर कॉल करना। हेलो जी, आपके लिए कहा कि टिकट बुक करूं। फॉरेन जाना चाहते हैं आप? ओह, आपके रिश्तेदार रहते हैं वहाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। हेलो, कैसे हो? कितने टिकट बुक करूं आपके लिए? मैं बोल रहा हूं। अच्छा, 4 टिकट। डिनर के लिए रेडी हो तुम? नहीं, हाँ, मत आना, मैं बिजी हूँ। क्या तुमने अभी तक मुझे माफ नहीं किया? ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरे पास वक्त नहीं है, समझे तुम?
चलो तुम्हारे घर चलते हैं। मेरा घर तो ये है। उसे मिलने आया है, उसे डरो मत, उसे नमस्ते कहो। मेरे लिए पागल हो ना, चलो काटो मुझे। अगर तुमने सोचा मैं गलत थी तो जाओ, मैंने कहा जाओ जाओ। जाओ, सुबह हो गई है। अब मुझे वापस जाना होगा। हेलो मिस माया, आप जल्दी आ गईं। क्या यहाँ मिस्टर चनाचो हैं? वो अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन वो जल्दी आ जाएंगे। अगर आप चाहें तो उनके कमरे में इंतजार कर सकती हैं। जिनके साथ तुम आई थी वो मुझे नहीं मिले। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुमने अंकल टीम को साथ में क्यों नहीं आने दिया? चिड़िया की आवाज खींच लाई। ये खुशबू कैसी है? ये डेस्मोस है। डेस्मोस, जब भी सूर्योदय होता है ऐसी खुशबू आती है, और रात होते ही ये खुशबू चली जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि तुम विदेश में रहते हो, यहाँ की खूबसूरती के बारे में नहीं पता। चलो घर वापस चलते हैं, तब आंटी ने हमारे लिए खाना तैयार किया हुआ है। खाना ठंडा हो रहा होगा, चलो चलते हैं, शरारती मत बनो। No!
करोगे? कुछ हुआ तो नहीं? उसके पीछे मत जाओ, तुम उसे नहीं ढूंढ सकते। तुमने उसे चोट पहुंचाई, वो तुमसे बदला जरूर लेगा। माफ करना, मेरा अपमान करने का कोई इरादा तो नहीं था, लेकिन दरअसल वो सिर्फ एक छोटा सा सांप था जो शायद अब तक मर चुका होगा। ये कोई मामूली सांप नहीं है, बेहतर होगा कपड़े पहनो और यहां से चले जाओ। यूं मान लो कि तुम्हें यहां से निकाल दिया। तुम्हें चोट लगी है, इसके लिए मुझे माफी चाहिए। वो डर गया था, उसने सोचा तुम मुझे काटने वाले हो, तुम उसे कुछ मत करना, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, ये वो है जिससे मैं प्यार करती हूँ। मैं उसे यहाँ से जाने के लिए कह चुका हूँ, अच्छा होगा कि उसे यहाँ दोबारा आने के लिए मत कहना। सांप कैसा है, मैंने चाकू की नोक पर उसका खून देखा था। तुम ठीक हो? तुम इस घर में दोबारा नहीं आ सकते हो जब तक कि मुझे यकीन नहीं हो जाता कि वो चला गया है। तुम सांप के बदले पर शायद यकीन नहीं करते होगे, लेकिन मैं करती हूँ। मैं नहीं डरता, मैं दोबारा वापस आऊंगा। प्लीज पागल मत बनो, मेरी बात मान जाओ। हेलो, किसका कॉल था? फोन पहले ही कट गया, लगता है नेटवर्क नहीं है।
आ गए तुम, उसका साथ छोड़ दो, फिर घर वापस आना। क्या कहा तुमने? तुम घर वापस आ सकते हो, लेकिन उसे छोड़ना होगा। अब बहुत हुआ, तो वो चुड़ैल तुम्हारी मेकला कैसी है? तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? और एक बेवकूफ पत्नी की तरह घर पे चुपचाप बैठी रहो? तुम कुछ भी करो और मैं चुप रहूं? तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, बेशरम। जाओ उसी के पास जाके रहो। चिल्लाओ मत, बच्चा उठ जाएगा। हाँ तो तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? तुमसे ज्यादा तो मैं शर्मिंदा हूँ। मेरे दोस्त, मेरे माँ बाप, मेरे रिश्तेदार, मेरा परिवार, वो सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में? क्या सोचेंगे? मुझे माफ कर दो, मुझे पता है मैं गलत हूँ। कहना आसान है, मैं गलत हूँ, बस हो गया। फिर से तुम उस चुड़ैल के साथ सोने चले जाओगे? मेरे ख्याल से अभी हमें बात नहीं करनी चाहिए। सही कहा, मुझे ठीक से बात करनी नहीं आती। तो फिर उसी के पास चले जाओ जिसको बात करनी आती हो। चले जाओ, जाओ उस मकेला के साथ सो जाओ, या फिर किसी और चुड़ैल के साथ सो जाओ, लेकिन यहाँ से चले जाओ। जाओ, जाओ, जाओ यहाँ से। तुम्हारी जिंदगी में सब ठीक है। मैं वो नहीं बनना चाहती जो किसी को दुख पहुंचाऊं। तुम ऐसा मत सोचो, खुद को दोष मत दो। ये मेरा फैसला है, ये रास्ता मैंने चुना है, सिर्फ और सिर्फ मैंने। मैं भी इसमें शामिल हूँ। तुम्हें पता है, जब भी मुझे बुरा महसूस होता है, मैं तुम्हें सोचता हूँ, उस घर के बारे में सोचता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वही मेरा घर है। मैं वहां वापस जाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे वादा करोगे कि तुम वहां वापस नहीं जाओगे? हेलो, हाँ अभी पहुंचता हूँ। चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए ही तो आया हूँ। हाँ हो गया, शांत हो जाओ बेटा। बहादुर बच्चे रोते नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, है ना?
चलो बच्चे, अब ये हो गया, अब तुम ठीक हो जाओगे, देखना जल्दी से। इसे जहर से एलर्जी है। तू आ मेरे बच्चे, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तुम कहाँ चली गई थी मम्मी? तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ा? मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें अकेले छोड़ दिया। कोई बात नहीं बेटा, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। अगले दो दिन इंग्लैंड का टूर कौन लीड कर रहा है? सौरा चाहिए और उमारा। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? बस एक तरफ का टिकट, वापस कब आऊंगी मुझे पता नहीं, मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, तुम आराम करो, मैं सब कुछ देख लूंगी। अगर कहीं किसी ने मुझे बुलाया तो कह देना मैं कहीं बाहर गई हूँ। क्या तुम्हें पता था मैं आ रहा हूँ? अपने बारे में सोचो, पिछली बार सिर्फ 20 ड्रिंक्स और तुम्हारा काम हो गया था। इस बार मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुम्हें पता है आज मैं बहुत खुश हूँ, आज रात हम दोबारा जो मिले। ज्यादा सीरियस मत बनो, किसी के साथ भी घूमने निकलना इतनी बड़ी बात नहीं है। अब और नहीं ले सकते है ना? ये किसने बताया था? से सावधान, चली जाओ इस घर से, चली जाओ, चली जाओ यहां से। सुनो, कहाँ जा रहे हो? सांप को मारने। मैंने मेकाला को भी बताया है और उसने कहा ठीक है। कहाँ है वो, कहाँ मिलेगा? बिग डेस्मोस के आसपास, ज्यादातर वो वहीं नजर आता है। मुझे वहां के बारे में बताओ। बिल्कुल नहीं, मैं उलझना नहीं चाहता, ना ही पाप करना चाहता हूँ। Thank you.
लगता है सांप ने उसे काट लिया। मैंने बहुत पहले से उसके साथ रहना छोड़ दिया है। वो मर चुका है और उसकी वजह तुम हो। वो चला गया, वो अब जिंदा नहीं है। इस सब की वजह तुम हो। कहाँ हो तुम? चलो बाहर आ जाओ। तुम्हें दर्द हो रहा है ना? तुम बेरहम हो। तुम हर किसी को चोट पहुंचाते हो। वो मेरा दोस्त था। दर्द हो रहा है ना तुमको? बेहतर होगा तुम यहां से चले जाओ, मेरी जिंदगी से चले जाओ। अगर तुम नहीं गए तो मैं चली जाऊंगी। पापा, भूल तो नहीं जाओगे कि कल 3 बजे हमें एक स्पोर्ट्स इवेंट में जाना है? आप आओगे ना पापा? मुझे याद रहेगा, मैं कभी नहीं भूल सकता। ये भी देखते हैं। हे, क्या तुम मेरे साथ इस तरह पेश आना बंद करोगी? वो मेरा अतीत था कि नहीं? हाँ, लेकिन इतनी आसानी से कैसे भूल सकती हूँ? अगर मेरे दोस्तों को पता चल गया तो मैं उनको कैसे मुंह दिखाऊंगी? खा लो बेटा, चलो चलो रेस करते हैं।
मेकाला तुम्हारा टिकट और पासपोर्ट तैयार है। फ्लाइट कल 3 बजे की है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये मत भूलो कि हमने वो जमीन ऊंचे दामों में खरीदी है। बिना किसी वजह से सरकार और जनता के साथ शेयर करने के बारे में हमें सावधानी से सोचना पड़ेगा। क्या होगा अगर गांव वालों ने पत्रकारों को बता दिया तो? हम लोग तो पूरे बर्बाद हो जाएंगे और कोई भी हमारे साथ बिजनेस नहीं करेगा। मैं ऐसा नहीं मानता। बिजनेस तो बिजनेस है। खैर जो भी हो, हमें समाज के साथ ईमानदारी से काम करना ही पड़ेगा और हमें हमारे रुतबे के लिए भी। मिस्टर चनाचो का क्या? आखिर वो क्या चाहते हैं? ए, साफ करो इसे जल्दी। तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो बेटा? नहीं अभी नहीं। जी सर। पापा, मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था मीटिंग इतनी लंबी चलेगी। तैयार हो? आए, तुम्हें पता है वो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अगर तुम जल्दी आते तो इतना झमेला नहीं होता और वो रेस हारता भी नहीं। मैंने कहा ना मुझे माफ कर दो, तुम जानती हो मैं मीटिंग में बिजी था। हाँ, मीटिंग में बिजी था या फिर किसी और के साथ बिजी थे? माई, हम अपने बेटे के साथ हैं, इस तरह बातें करना बंद करो। कहा ना कि मैं अपनी गलतियां मानता हूँ, वो सिर्फ मेरा एक अतीत था, मैं कला हमेशा के लिए जा चुकी है। हाँ, तो तुम अपनी गलती मानते हो? और बताओ उस चुड़ैल का क्या, वो अपनी गलती मानती है कि किसी और के पति के साथ उसने ऐसा किया? बेटे, मैं इस वक्त साथ नहीं चल सकता। मैं तुमसे रात में मिलूंगा। कहाँ जा रहे हो? जाओ, जहां जाना चाहते हो जाओ, दफा हो जाओ और कभी वापस मत आना यहाँ अपनी मनु सूरत लेके। चले जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ। अ
अंकल टीम, आपसे कोई मिलने आया है। तुम यहाँ क्यों आए हो? वो यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ से चली गई। वो आज दोपहर ही निकल गई है ना? बेहतर होगा कि तुम भी यहाँ से चले जाओ। मैं यहाँ उसके लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ आपके लिए आया हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये नहीं चाहता कि तुम यहाँ रुको। मेरे साथ आओ, मैं बताता हूँ तुम्हें। चलो मेरे साथ चलो। मुझे लगता है कि शायद मैं ही वो आपका डूबा हुआ भांजा हूँ। मुझे मेरे माँ बाप का पता नहीं। मुझे एक नदी के गोद से उठाया गया था, एक रात इसी तरह, और यहाँ। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जिस दिन आपकी बहन नदी में डूबी थी, क्या वो रात का वक्त था या दिन का? नहीं, ऐसा मत करो।
आखिरकार तुमने मुझसे उसे छीन ही लिया, क्या तुम यही चाहते हो? तुम बहुत निर्दयी हो, उस इंसान को मार देते हो जिसे मैं प्यार करती हूँ, तुम मुझे भी क्यों नहीं मारते हो? काटो मुझे, मार डालो मुझे, मेरे पास कुछ नहीं बचा है, तुम मुझे नहीं मारोगे? खैर, अगर तुम नहीं मारोगे तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा।